हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल फाइनली लास्ट वर्किंग डे था और लास्ट वर्किंग के दिन आपको पता है कि कर्मचारियों और पेंशन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की तरफ से एक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसी उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी किया जाता है, यानी तय किया जाता है। तो कल फाइनली वो रिपोर्ट जारी हुई जिसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बंपर उछाल दिखाई दे रही है, बंपर होती हुई दिखाई दे रही है। आप सामने राइट साइड में जो नोटिफिकेशन है ये देख सकते हैं, वही नोटिफिकेशन है जो श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कितनी बढ़ोतरी होगी, जुलाई 2022 में आपको कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा, पूरा डिटेल में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को आगे भी इसी तरीके से वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि श्रम रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की तरफ से 29 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पेस विज्ञप्ति देख सकते हैं जिसमें औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 2022 की जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट नंबर 2 है, जो पैराग्राफ 2 है, इसमें देख सकते हैं मार्च 2022 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 1.0 अंक बढ़कर 126 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.80% की वृद्धि रही, जबकि एक वर्ष पूर्व इन दो महीनों के बीच 0.50% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो बड़ा उछाल आया है, 125 से एक अंक सीधा बढ़ करके 126 अंक हो गया है। अब 126 अंक को जो है डीए कैलकुलेटर में पुट अप करने के बाद आपको जो है डीए कितना मिलेगा जुलाई 2022 से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ये फूड स्टफ है, यानी वो खाद्य पदार्थ है जिनके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय होता है। साथ ही साथ ये वो सिटीज हैं या वो शहर है जिनमें बढ़ोतरी और कमी होती है और उसी से महंगाई भत्ता आपका तय होता है। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस डीए कैलकुलेटर में। आप देख सकते हैं डीए कैलकुलेटर जनवरी से जो अंक में बढ़ोतरी और कमी हुई है उसी के बेसिस पर है। तो जनवरी 2022 में आप देखेंगे तो 125.1 अंक है, जिसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता हुआ था 35.08%। फरवरी में 0.1 अंकों की कमी हुई तो जो डीए हुआ 35.63। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अंक में कमी होने से आपका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसमें कमी नहीं होती है, वो बढ़ता ही जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2022 में 126 अंक हुआ, जैसे कि अभी बताया मैंने, तो 36.21% महंगाई भत्ता हो गया। अभी जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की 3 मंथ की रिपोर्ट आनी है, तो अब 3 मंथ की रिपोर्ट को हम एक्सपेक्टेड 1.5 अंक बढ़ाते हैं, क्योंकि महंगाई आपको पता है कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो जो डीए और डीआर है उसी बेसिस पर आपका बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो है एक्सपेक्टेड मंथ की हमने यहाँ पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े लिए है, जिसमें 127.5, 129 और 130.5 के अंक तक अगर जाता है तो आपका महंगाई भत्ता जो है 38.47% होता है, यानी 39% तक जाता है। और करंटली यानी प्रेजेंट में आपको 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो अगर ये 5 से 6% तक की बढ़ोतरी होती है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होना चाहिए। आपके हिसाब से फिलहाल एक्सपेक्टेड 5 से 6% है और आगे इसमें बढ़ोतरी और कमी हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, आगे आने वाले महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ।